अच्छा मुझे बताएं आप विथ कम आपका जो व्हाट्स योर फर्स्ट पैशन डांस और एक्टिंग एक्टिंग तो फिर ये उस साइड पे कहाँ कैसे निकल गया हाउ डिड दैट स्टार्ट वो कैसे स्टार्ट हुआ था तो डांसोग्राफी ऐसे स्टार्ट हुआ था मैं राबिया कोको हम सब कोको बोलते हैं राबिया कुलसुम कोको ऑफ द फैमिली तो मैं कोको से मिली फैजान की शादी अच्छा शादी पे. पहले से नहीं एक दूसरे को जानते थे? नहीं नहीं बिल्कुल मुझे लगा पता नहीं कितनी पुरानी दोस्त हैं अच्छा. तो फैजान और मैं बब्बन खाला की बेटियां कर रहे थे तो फैजान ने बोला मेरी शादी है तो तुम आना और डांस भी करना डांस प्रैक्टिस तारीख से मैं नहीं जाती डांसेस यू नो क्योंकि वो कम मैंने कर दिए थे जब से मेरी बहन शादी करके गई मैं चलो चल रहे थे क्या है वंस इन अ ब्लू मून वाली शादी है तो मैं गई और प्रैक्टिस के लिए गई तो मैं आई एम ऑलवेज ऑन टाइम तो मैं पहुंची हुई थी कोई नहीं आया हुआ था क्योंकि हम कराची वाले हैं तो थोड़ी देर बाद फैजान आया फिर कोको आई एंड देन शी सेड अस्सलाम वालेकुम कैसी हैं आप मैं ठीक फैजान भाई ने आपको मेरा मैसेज नहीं दिया ना मैंने उन्हें कहा था कि मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ मैंने आपका ड्रामा वाला देखा था मुझे आपका काम बहुत अच्छा लगा थैंक यू सो मच फिर उसके बाद हमने डांस आउट किया फैजान की शादी पे फिर उसके बाद हमारी यू नो अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो गई हमने फिर एक प्रोजेक्ट हमने मीर आबरू ऑफर हुआ उसमें हम दोनों बहनें थी फिर हमें शहर मलाल हुआ ऑफर उसमें हम सेम सेट पे थे फिर हम एक झूठी लव स्टोरी में भी थे तो इससे हमारी बॉन्डिंग ज़्यादा अच्छी हुई एक झूठी लव स्टोरी के बाद कोको का मैसेज आया मुझे व्हाट्सएप पे यू नो यार पाकिस्तान में कुछ वो नहीं है प्लेटफॉर्म नहीं है अपना यू नो डांसिंग का और हम करेंगे तो हमारा पहला होगा और देख लो तो हम प्रिपेयर थे कि बैकलैश बहुत ज़्यादा आ सकता अच्छा, है हाँ तो हम मैंने बोला हम स्टार्ट ना इंटरनेशनल करते हैं हमारी पॉलिसी थी कि हम इंडियन कंटेंट नहीं देंगे क्योंकि अच्छा. हमें पाकिस्तान को प्रमोट करना है और हम प्लेटफॉर्म ही पाकिस्तान का लेके चलेंगे फिर मैंने बोला यार मनी हाइस्ट बहुत चल रहा है आजकल ना इन हम बेला चाओ से करते हैं इवन हमारी पहली कोरियोग्राफी वॉज नॉट दैट गुड बट हमने जज्बात में आके ना पहले दो गाने एक दिन में कोरियोग्राफ किए और शूट भी एक दिन में किए छलावा और बेला चाओ और कितने फर्क हैं दोनों दोनों बहुत अलग है तो पहले जो हमने प्रैक्टिस की हम तो कभी हमारे नील यहाँ पड़ा हुआ यहाँ क्योंकि हमने बहुत जज्बात में आगे धड़म 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 फिर हमें अपना बैलेंस थोड़ा आया शुरू किया आई एम टू स्टेप्स बिहाइंड कोको इन डांसिंग वो बहुत ज़्यादा स्मूद है माशाल्लाह से उसकी वो फिनिश बहुत ज़्यादा है मेरी क्योंकि थोड़ी क्योंकि मैं वर्कआउट बहुत ज़्यादा करती हूँ तो मेरे पोस्टर्स कुछ ज़्यादा वो थोड़े स्टिफ भी टाइप भी हो जाते हैं तो ये थोड़ा हमारे उसमें फ़र्क है वो फिक्स कराती रहती है फिर हमने जब वो दोनों गाने एक साथ शूट किए हमें रिस्पॉन्स अच्छा मिला फिर उसके बाद हमारी कभी हिम्मत नहीं हुई कि हम वो दो गाने एक दिन में जो है ना शूट कर सकें आप बैकलैश की बात कर रही थी थोड़ा जहन में था कि गलत अंदाज में लेबल कर देंगे लोग बिकॉज पाकिस्तान काफ़ी कंजर्वेटिव सोसाइटी है यस हमने इसलिए अपना वार्डरोब इसलिए हमने अपने स्टेप्स उस हिसाब से रखे कि वल्गैरिटी ना आए क्योंकि अगर हम कुछ भी तो करें ये बात दिमाग में रखते हुए आप लोगों ने कुछ चीज़ें रखी है यस और हम जब भी अपना कुछ स्टेप वो जो भी हम लोग कोरियोग्राफी करते हैं कुछ स्टेप्स कोको के होते हैं कुछ मेरे होते हैं तो वो हम दोनों का मर्जर होता है अगर वो ज़्यादा बैठने उठने वाले होंगे तो वो मतलब सराहने किए हैं और अगर ताली वाले होंगे तो वो कोको ने वो डाले होंगे अच्छा ये होता कैसे ये प्रोसेस कैसे होता है किससे इंस्पिरेशन लेते हैं आप लोग क्या क्या करते हैं हम बस खड़े होते हैं और हम जो है गाना लगा के बस हम कभी हम चार पाँच ऐसे कर लेते हैं स्टेप फिर हम दो दिन बाद हम सोचते हैं हम दोनों के दिमाग में एक चीज़ आती है कि ये वाला स्टेप बदलना चाहिए तो हम वो वर्किंग दिमाग में भी चल रही होती है जब हम खड़े होते हैं तो हम उसी वक्त डांस के लिए प्रैक्टिस के वक्त हम करते हैं और उस वक्त हम इसलिए कोई BTS रिकॉर्ड नहीं कर सकते अपना क्योंकि हम उस हालात में नहीं होते हम ड्रेन हो चुके होते हैं और यू नो हमें समझ नहीं आ रहा इसका फ्यूचर क्या है इसको आगे लेके चलेंगे आप लोग या बस ये शौक में ही है अभी आगे लेके चलेंगे अभी हमने महरीन की वेब सीरीज की कैंडी मेरे दोस्त मेरे यार की हमने कोरियोग्राफी की कुछ लोग कहते थे तुमने डायरेक्शन पढ़ ली और तुमने कुछ नहीं किया मैं एक दिन ना गाना कोरियोग्राफी वो डायरेक्ट करूँगी तो वो एक चांस मिल गया मज़ा भी हमें बहुत आया और हमें इसलिए भी सुकून था कि हम लोग कैमरे के पीछे थे तो हमें एक वो भी सुकून था कि हमने सिर्फ डील जो करना है वो एक्टर्स के लिए अभी तो मैंने डे टू की वो नहीं लगाई BTS ने लगाई उसमें हमने बेसिकली हम वी हैड 40 एक्स्ट्रा एक्टर्स दे वर नॉट डांसर्स एंड उन 40 को हमने एज 100 दिखाना था पूरी फ्रेम में पीछे भर के
सो आई मी एंड राबिया वी डिवाइडेड टीम्स इनटू ए बी, क्योंकि हमें नाम तो याद नहीं होने थे, हमने ए बी सी. अब पूरी वीडियो में कोकोनट स्क्रीमिंग टीम ए, आपने इधर से इस पॉइंट से उस पॉइंट, छोटी छोटी लड़कियां ना कुछ सीरियसली भी पहले नहीं ले रहा होगा आप लोगों को. नो नो, एवरीवन वाज सीरियस एंड वी, क्योंकि हम ज्यादा थे और हमने एक्टर उन्हें डांसर्स को बोला था, मैंने बोला आप लोगों ने बहुत ध्यान से करना है क्योंकि अगर एक्ट्रेस आपसे टकराए तो हम तो आपको माफ कर देंगे, क्योंकि हम तो वी नॉट एक्टर्स एनीमोर, वी आर द कोरियोग्राफर्स. लेकिन उन बेचारे 40 लोगों ने जो दौड़ें लगाई हैं, क्योंकि वो आपको कभी नहीं लगेगा वो सिर्फ 40 लोग थे, क्योंकि हमें पूरा थ्रू आउट फ्रेम फुल रखना. सो दे वर रनिंग, वो 2 मिनट का जो गाना था वो भाग रहे थे, और जो हमारे डीओपी थे फराज, उन्होंने जो वो 30 kg का उन्होंने 1 take किया है, वो बहुत मुश्किल था. तो इट वॉज अ गुड लर्निंग एक्सपीरियंस. तो हमें इसे आगे लेके जाना है ऑब्वियसली. हम बहुत सारी कोलैबोरेशंस भी हमने सोची नहीं है, हमने सोचा कि हम ट्यूटोरियल्स भी करेंगे क्योंकि वो लोगों को भी देखने में मज़ा आता है. अच्छा, किसी फिल्म, पाकिस्तानी फिल्म से किसी से ऑफर हुई है कि कोई गाना कर दें आप लोग कोरियोग्राफ? यास्ट्रा टोल्ड अस के यू नो व्हेन शी इज कंटिन्यूइंग हर लाइक मूवी, तो जब वो कंप्लीट करेंगी तो शी सेड कि तुम लोग कर देना, लाइक वी आर हैप्पी टू डू इट. बट यू थिंक ये हो सकेगा पाकिस्तान में, ये जो इतना मतलब एक इंडस्ट्री की एक मेंटालिटी है उसको तोड़ना आसान होगा? बिकॉज़ आई फील वी रियली डेस्परेटली नीड सम फ्रेश फेसेस. मैं इसके बाद बैन होने वाली मुझे लगता है पाकिस्तान में. नहीं नहीं नहीं, बट जरूरत है ना फ्रेश आइडियाज, फ्रेश फेसेस. अच्छा, वी हैव माशाल्लाह गुड कोरियोग्राफर्स, बट वो तादाद कम है. सो अगर इफ राबिया एंड आई आर स्टेपिंग इन, तो वो ऐसे बहुत से लोग होंगे जिन्हें हौसला मिलेगा कि हाँ ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, हम भी कोरियोग्राफी कर सकते हैं, हमें भी चांस मिलेगा. और क्योंकि अब जिस तादाद से मूवीज बन रही थी पेंडेमिक से पहले, उसमें ये था कि लोगों को ये था कि अगर 4 मूवीज बन रही हैं तो चारों में तो जितने लोग हैं हमारे कोरियोग्राफर्स वो तो नहीं डिवाइड हो सकते. सो ऑब्वियसली वी नीड मोर पीपल. सो आई थिंक लोग इस चीज़ तो को भी यही रहा था नहीं, लेकिन अब मुझे लगता है कि अब पीपल यू नो आर लाइक मूविंग फॉर, अब वेब सीरीज में भी लोग चाहते हैं कोरियोग्राफी हो, अब मूवीज में भी चाहते हैं. सो आई थिंक नाउ पीपल नीड मोर कोरियोग्राफर्स. बट यू थिंक आप माशाल्लाह से एक्टिंग भी, आपके प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं, आप मैनेज कर पाएंगी दोनों को? चूज करना पड़ा तो किसको चूज करेंगी? अच्छा, आई अगर मैंने पहले कमिटमेंट कर दी, डेट दे दी, तो वो मैंने कोरियोग्राफी को दी होगी तो वो उसको दे दी होगी, अगर एक्टिंग को दी होगी उसको दे दी होगी. आई डोंट मूव बैक देन. कोई एक एक्टर या कोई एक फिल्म या कोई एक एक्ट्रेस जिनका आपको दिल चाहता है कि आई विश मैंने इनके लिए कोरियोग्राफी की होती? आई थिंक मायाली. हम इवन द थीफ एंड ट्रैवल बहुत अच्छा गाना कोरियोग्राफ हुआ हुआ था, लेकिन थोड़ा अगर यू नो हम लोग भी करते तो मज़ा आता, यू नो एक एक्सपीरियंस के लिहाज से यू नो मज़ा, क्योंकि वो गाना भी थोड़ा न्यू जनरेशन टाइप का था. आइटम नंबर नहीं, आइटम नंबर, यस इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. अच्छा, कुछ फन क्वेश्चन पूछती हूँ आपसे. मैं कुछ नाम लूँगी, अगर आपने इनको कोरियोग्राफ करना हो तो आप कौन सा गाना चूज करेंगे? ओके, बिलाल अब्बास खान. बिलाल अब्बास खान, हाय दिल बेचारा.